आएंगे आपके पास हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खबरें तक पर जुड़े। सर बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद धन्यवाद। नीरज ने आज पूरे ही देश को गौरवान्वित किया है, पूरा देश उन पर प्राउड फील कर रहा है। लेकिन जिस राज्य से नीरज आते हैं यानी हरियाणा से, आप उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्या महसूस कर रखे हैं? देखिए मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा ने अपना एक योगदान देश के इस सारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाते से, यानी देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला उन्होंने और गोल्ड मेडल लेने के बाद देश का जो नाम है ऊंचा किया और गोल्ड मेडल राज, यानी पहली एथलीट का पहला गोल्ड ये एवर, यानी जब से ओलंपिक शुरू हुआ है तो पहला गोल्ड आया और पहला भी नीरज चोपड़ा ने लेकर के आज देश का नाम ऊंचा किया है। जी सीएम साहब, देखिए कुल मिलाकर 7 पदक पूरे देश के और देश के नक्शे पर एक छोटा सा हरियाणा, अकेले हरियाणा के 3 पदक, ये बात भी बहुत अपने आप में गर्व महसूस कराती है। हम देखिए देश के ना, देश की केवल 2% आबादी के हरियाणा होने के नाते से, और हमारे खिलाड़ी जो है 25% खिलाड़ी जो है हरियाणा से गए हैं, और उसके बाद भी मेडल जो है कुल 7 में से 3 मेडल हरियाणा के नौजवान लेके आते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम जैसे हमेशा कहते हैं कि हरियाणा जो है खेलों का हब बनेगा देश के लिए, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी जो हमको कमी लगती है उसको हम पूरा करेंगे। ये जैसे ही वापस लौटेंगे इन सब खिलाड़ियों को हम कहेंगे हरियाणा सरकार के माध्यम से खेलों में और आगे बढ़ाने के लिए जो भी ये कर सकते हैं और जो हमारे से अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे और निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। और साथ ही हरियाणा सरकार की भी तारीफ करनी होगी सर, क्योंकि पूरे ही देश में अलग अलग राज्य सरकारों के इनामी राशि की बात करें सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार दे रखी है, सबसे ज्यादा इनाम आप लोग दे रखे है। इसको कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं कि उत्साह बढ़ता है खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों में जुनून बढ़ता है कि हम भी अच्छा करें, देश के लिए मेडल्स लाएं और सरकार हमें भी सम्मानित करे? देखिए अब वो अलग अलग प्रकार हो सकता है सोचने का, हम तो ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ योगदान इस वक्त जरूर है, लेकिन इसके ज्यादा हरियाणा का जो नौजवान है, हरियाणा के लोगों के मन में जिस प्रकार का खेलों के प्रति प्रेम है, बहुत बचपन से ही गांव गांव के अंदर अखाड़े हैं, गांव गांव के अंदर परंपरागत खेल खेले जाते हैं, उसमें खून के अंदर ये एक बात है कि खेलों में हरियाणा हमेशा आगे रहेगा। देशों में देश हरियाणा जी, श्याम सवेरे दोनों बक्ता, दूध दही का खाना, ये जो कहावत है ये वैसे ही नहीं है, इसलिए इसके नाते से मैं समझता हूँ कि यहाँ का नौजवान खेलों के अंदर आगे बढ़ता है। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर, आपने कहा था ओलंपिक की शुरुआत से पहले भी कहा था कि हरियाणा लटका देगा और आज भी आज हरियाणा ने लटकाट दिया है सर। देखिए इससे पहले दंगल की बात करें, कुश्ती की बात करें, पहलवानों की बात करें, ये हरियाणा की पहचान थी, लेकिन जैवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल आया कि इससे लगता है खेलों का प्रारूप जो कि हरियाणा में बदलेगा, उसमें तब्दीली आएगी? नहीं, तब्दीली की आवश्यकता नहीं है, वो खेल अपनी जगह है, ये खेल अपनी जगह है। एथलेटिक्स में हम आगे बढ़ेंगे, परंपरागत खेलों में कुश्ती में दंगल में कबड्डी में हम आगे हैं ही हैं, लेकिन इन चीजों में और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता खुला है और हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एथलेट्स जो बनाएंगे उसमें नीरज चोपड़ा जैसे नौजवानों को हम कहेंगे कि उसको लीड करें और एथलेट्स में हम आगे बढ़े, सब चीजें लेके चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया बातचीत की।